प्यारे बच्चों जी, बेसिक मैथ के कुछ स्मॉल क्वेश्चन है, एलसीएम के हैं। लो कैसे करने हैं देखें। जैसे जे 7/13 है, माइनस ब्रैकेट में -11/13। जब अगर दो माइनस हो कठी आ रही हो तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 7/13 माइनस माइनस हो गया +11/13। अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो जो न्यूमरेटर है सीधे ही ऐड कर देते हैं, जहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जहाँ ऐड का निशान है तो ऐड कर देंगे। 7+11/13 बन गया 7+11 18/13। अगर आप इसी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, 18 13 1 13, 8 में 3 5, 1 सही 5/13। ये इक्वल के बिल्कुल सामने लिखना पड़ता है, 1 सही 5/13। मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 सही 5/13। ऐसे इसको चेक कर लो, 13 13 5 18/13। ऐसे ही बी पार्ट देखो आप कैसे करना, =11/12 प्लस माइनस एक स्टेप कर लो, -7/9। अब ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब लो 12 और 9 का एलसीएम, 12 और 9 का एलसीएम ले लो, 3 चौके 12, 3 तीके 9। जो डिवाइड करना कम से कम दो संख्याओं पर ही जाना चाहिए, दोनों पर जाएगा तो इजी हो जाएगा। अब आगे करने की जरूरत, 4 3 12 3 36, तो 36 एलसीएम आ गया। एलसीएम से काम आसान हो जाता है। अब 36 एलसीएम है, आप 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, जो डिनोमिनेटर है। तो 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 3 -9 चौका 36, तो 7 को भी 4 से ही कर दो। कहने का मतलब 9 का टेबल जहां तक पड़ा उसे ही न्यूमरेटर से आपने मल्टीप्लाई करनी है। ये बन गया 33 -28/36। ये आ गया =13 × 8 5 5/36 आंसर आ गया।